गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 25 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है WFI के बारे में। WFI क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल का आप यहाँ पर टाइटल देखिए, गवर्नमेंट सस्पेंस न्यू WFI पैनल बींग रन फ्रॉम ब्रिज भूषण प्रीमिसिस। देखिए क्या बात कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बात कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐसे पैनल को सस्पेंड कर दिया है WFI के, जो ब्रिजभूषण के घर से चल रहा था, उनके प्रेमाइस से चल रहा था। WFI क्या, अभी नया एक इलेक्शन हुआ था। आप लोगों को, अगर आप रेगुलर मेरे न्यूज़पेपर यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बात से आप लोग बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं कि इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो ये आया था कि संजय सिंह नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर प्रेजिडेंट बन जाता है आपके WFI का। हराता किन को है वो? अनिता सिंह को। अनिता सिंह को वो हरा देते हैं और एक फीमेल थी। और इसके बाद ही यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाता है दोबारा से रेसलर्स के द्वारा। कौन कौन इस प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पर शामिल होते हैं? प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होने वाले लोगों में जो सबसे प्रोमिनेंट चेहरे थे उनमें से आप पाएंगे बजरंग पूनिया को। क्या किया है बजरंग पूनिया ने? बजरंग पूनिया जो कि एक जाने माने रेसलर हैं, जो कि अभी हमारे लिए, हमारे देश के लिए कॉमनवेल्थ के अंदर 2022 के अंदर भी गोल्ड मेडल जीत कर लाए, उनको जब 2022 में ही एक पद्मश्री के साथ उनको नवाजा गया था, उनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया भारत की जन्मभूमि के द्वारा, जो हाईएस्ट फोर्थ बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया के अंदर। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा अवार्ड क्या मिलेगा? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आपको क्या मिलेगा? भारत रत्न के बाद आपको मिलता है भारत विभूषण, सॉरी दिस वुड बी ऐसे रत्न, उसके बाद आपको मिलेगा भारत विभूषण, नेक्स्ट आपको मिलता है भारत भूषण, राइट? यहाँ पर विभूषण हटा देंगे तो भूषण आपको मिलेगा। और लास्ट जो होता है, जो किसी सिविलियन को दिया जा सकता है, वो होता है पद्मश्री। तो ये जो पद्मश्री का अवार्ड यहाँ पर दिया गया था, प्रोवाइड करवाया गया था, उसको यहाँ पर बजरंग पूनिया ने 2 दिन पहले ही PM के घर के बाहर फुटपाथ के ऊपर रख दिया। कहा है क्योंकि प्रधानमंत्री हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो इस बात पर हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं। इसी के दूसरी जो प्रोमिनेंट चेहरा थी वो थी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने अपने जूतों को टेबल के ऊपर रखते हुए बोला कि अगर यहाँ पर अब कुछ और निर्णय नहीं लिया जाता है, या संजय सिंह जो कि एक बहुत ही करीबी इंसान है यहाँ पर ब्रजभूषण के साथ, बहुत ही करीबी रिश्ते उसके हैं, अगर उसके खिलाफ यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो वो अपनी जो रिटायरमेंट है कुश्ती को, वो रिटायर कर जाएंगी और त्याग देंगी कुश्ती को अपने जीवन से। मैं आपको ये भी बता दूं कि साक्षी मलिक उन 6 लड़कियों में से एक लड़की हैं जिन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट का यहाँ पर मुकदमा लगाया था ब्रिजभूषण के खिलाफ। तो सेक्सुअल हरेसमेंट का यहाँ पर इशू आया था, इसी पर लगातार 2-3-4 महीनों तक प्रोटेस्ट करते रहे। रेसलर्स यहाँ पर बैठ जाते थे दिल्ली के अंदर आकर, जंतर मंतर के ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और अपने हक की वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसी का आज ये नतीजा आया है कि गवर्नमेंट ने जो नया पैनल बना है WFI का, उसको सस्पेंड कर दिया है। आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होंगे वो हम समय के साथ समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अनदर कार्गो शिप ऑन वे टू इंडिया हिट बाय ड्रोन वॉज फायर्ड बाय हाउथीज US। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे एक जो शिप था हमारा, जिसके ऊपर लगभग 21 क्रू के मेंबर थे, वो जो 21 क्रू के मेंबर के साथ भरा हुआ क्रूड ऑयल से, यानी कि तेल से, वो कच्चा जो तेल होता है उससे वो भरा हुआ शिप था, वो गुजरात यहाँ पर आने वाला था जस्ट 200 नॉटिकल माइल्स। देखिए जब भी हम समुद्र को नापते हैं तो किलोमीटर्स की जगह हम नॉटिकल माइल्स के अंदर नापते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर NM। तो वो जो था वो इतना ही दूर जस्ट रह गया था और उसी के बाद उस पर एक ड्रोन के द्वारा हमला किया गया। हालांकि सारी कंडीशंस अभी के लिए ठीक थी, कोई ऐसे समस्या वाली, प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन कल फिर से ये दुर्घटना दोबारा से होती है। कल हमारा जो एक और शिप था वो जब आ रहा था गैबोन फ्लैग्ड, ये कमर्शियल ऑयल टैंकर से भरा हुआ, इसके अंदर 25 क्रू के मेंबर है, नेवी के ये मेंबर थे, सदस्य थे, और इनके ऊपर कल फिर से हमला कर दिया गया। हालांकि USA का मानना है कि ये होतीज द्वारा ही किया गया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था होतीज कौन है? ईरान के वो राइबल ग्रुप है होतीज, जो ये मान रहा है कि जो भी कंट्री या जो भी लोग
इसराइल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, हम उनके खिलाफ हैं। तो ये इसराइल का, उनको ऐसा मानना है कि इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है और इसी वजह से इंडिया के जो शिप हैं उनको वो लोग डरा रहे हैं। अब ये घटना कहाँ पे हुई है? घटना हुई है रेड सी के अंदर, लाल सागर के अंदर ये घटना हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रेड सी एक लोता ऐसा समुंदर है जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है यहाँ पर टैंक से, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो वाई रेड सी ही होता है, सबसे बिजी शिपिंग रूट ये माना जाता है। और अगर इसके अलावा आप दूसरा लंबा रास्ता लेंगे, जो कि काफ़ी देश इस हौती ग्रुप के रेबल से डरते हुए ले भी रहे हैं, शुरू भी कर चुके हैं, तो आपको जर्नी कंप्लीट करने में वहीं जहां 10 दिन का समय ज्यादा लगेगा, जहां आप अगर एक दिन पहले या फिर कभी आप 25 तारीख को पहुंच सकते थे, वहां पर आपको दोबारा पहुंचने में 5 तारीख को अगले महीने तक का समय और लग जाएगा। सो 10 दिन और जुड़ जाएंगे आपकी जर्नी के लिए। और ये पूरे ग्लोबली कमर्शियल के लिए काफ़ी, मैं बोलूँगी कि एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ग्लोब के अंदर आपके एक तो इससे खर्चा बढ़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए एक प्रॉब्लमेटिक ग्लोबल की जो कॉस्ट है, जो महंगाई है, उसको ये बढ़ा देगा, या जो खर्च है उसको ये बढ़ा देगा इस चीज़ के अंदर, इसीलिए कोई अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पोइज्ड फॉर विकसित भारत, लिखा गया है अशोक गुलाटी के द्वारा। ये कहती है कि इंडिया कैन बी ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक है, क्या बात बोल रहे हैं कि 2047 तक इंडिया जो है वो एक विकसित देश बन जाएगा, डेवलप्ड देश वो बन जाएगा, ऐसा अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है? देखिए क्या बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार जो 3 स्टेट के अंदर वो अभी तक विजयी रहे थे इलेक्शंस के अंदर, तो वहाँ पर वो लोग एक विकसित भारत यात्रा को शुरू कर चुके हैं। और विकसित भारत यात्रा क्या है? डेवलप्ड इंडिया नेशन। तो विकसित, अगर मैं आपको हिंदी में भी लिखूँ तो विकसित कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये विकसित का मतलब होता है यानी कि डेवलप्ड होना, विकासशील से बदल कर डेवलप्ड, यानी डेवलपिंग से बदल कर डेवलप्ड कंट्री में विकसित हो जाना या चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। तो ये एक लक्ष्य निर्धारण किया है और बीजेपी का कहना है कि वो 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये बात तो ठीक है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि विकसित से होता क्या है? विकसित तो हम सब होना चाहते हैं, यूएसए को एक विकसित देश बोला जाता है, यूरोप जैसी कंट्रीज को विकसित देश बोला जाता है, लेकिन ये विकसित देश है क्या, वो तो पता होना चाहिए पहले। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जब भी आप यहाँ पर किसी विकसित देश की बात करते हैं तो वो डाटा देते हैं, वो कहते हैं अगर आपकी जो जीडीपी है या फिर आपका जो हाई इनकम का जो लेवल है, जीएनआई इनकम, यहाँ पर जो लेवल आपका होगा जीएनआई, जिसको बोला जाता है ग्रोस नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम जो होगी, अगर वो इनकम आपकी 13,000 यानी हाई जो होंगी या डेवलप्ड जो होंगी रूरल के हिसाब से, कि आपके जो एक एक गांव में रहने वाला इंसान है, वो गांव में रहने वाला एक इंसान कितना कमाई कर पा रहा है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा है नेशन के अंदर, अगर वो $13,846 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है तो वो हाई इनकम कंट्री हो जाएगी। अगर वो इससे 13,000 से लेकर, और अगर वो 4,466,000 या 446 जो होंगे इन डॉलर के बीच में कर पा रहा है तो मतलब वो मिडिल इनकम क्लास कंट्री है। और अगर वो इससे भी कम कर पा रहा है, वो इतना भी नहीं कर पा रहा, मान लीजिए वो 4,446 डॉलर से लेते हुए और $1,136 का कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे लो इनकम कंट्री, यानी लोअर जो होगा वो बीच में भी नहीं आती है। डेवलप्ड कौन सी मानी जाएंगी? जो हाई इकोनॉमीज हैं। तो ये इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया लाई करता है इस कैटेगरी में, सबसे लो में, कि हम लोअर जो इनकम कंट्रीज हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या इंडिया का भविष्य जो ये बोल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है इंडिया के ग्रोथ के अकॉर्डिंग? तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब भी हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, जब भी हम बात की जाती है वेल्थ की, तो प्रॉस्पेरिटी के यहाँ पर 3-4 इंडिकेटर होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, अगर वो प्रॉस्पेर बनना चाहती है, अगर वो अमीर बनना चाहती है। तो देखिए क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। पहला जो इंडिकेटर यहाँ पर होगा वो आप पाएंगे कि किस
किसी भी कंट्री के अंदर उसको अमीर बनाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है उसकी ओवरऑल जीडीपी का, कि आप जीडीपी में कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव ला पा रहे हैं, तो उसके बाद आप एक प्रॉस्पर कंट्री बन सकते हैं अगर आप जीडीपी को किसी तरीके से बढ़ा देंगे तो। सेकेंड हम देख पाएंगे कि इनइक्वालिटी, यानी कि वहाँ के लोगों के बीच में कितना ज़्यादा, मैं आपको बोलूँगी डिफरेंस, कितनी ज़्यादा वहाँ पर इनइक्वालिटी है कमाई के साधन में, क्या अमीरी और गरीबी का जो ये गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगी, उसको कम करना पड़ेगा। और लास्ट होता है एक्सचेंज रेट, यहाँ पर कि आपका जो एक्सचेंज रेट है यानी इंडिया का और डॉलर के हिसाब से, जैसे हम निकाल रहे हैं कि एक डॉलर जो होगा वो इंडिया के 83.3 ये होगा रुपीज़ के होगा अभी के डाटा के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये रेट भी यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपकी कितनी कम करेंसी का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है उसमें आप कितना खरीद सकते हो, तो ये एक यहाँ पर वैल्यू पता चलती है। फिर ऑथर हमें लेके जाते हैं थोड़ा सा पास्ट के अंदर। ऑथर कहते हैं कि किस प्रकार से इंडिया की अगर बात की जाए तो जब 1991 का रिफॉर्म हुआ था, 1991 के क्या रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, कि हमें थोड़ा सा इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा। उसके बाद और क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन, कि कुछ चीज़ें, हर चीज़ जो लिबरलाइजेशन करने के लिए प्राइवेटाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, कि आप हर चीज़ को अगर आप मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही रखेंगे तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो लोगों को ये मौका दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, वो अपने अपने काम करें। और लास्ट यहाँ पर था ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोब के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो सभी के पास जानी चाहिए, उनका ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ट्रेड के रूप के अंदर उनको बाहर भी भेजा जाना चाहिए। तो 1993 के ये जो रिफॉर्म्स किए गए थे पीवी नरसिम्हा राव द्वारा, वो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, और इनके जो रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए थे उनका आज रिज़ल्ट हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं रिज़ल्ट, क्योंकि आज आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी थी, जिसको हम अगर हम बात करेंगे 1947 से लेकर और 1991 तक, जिसको एक बार डबल होने में या थोड़ा सा अमीर होने में 67 ईयर्स का टाइम लगा था, जब वो जहाँ पर वो एक बिलियन की जो हमारी इकोनॉमी होती थी, ट्रिलियन इकोनॉमी, वो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक बन पाई थी, तो इसको 67 ईयर्स का टाइम लगा था। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाएंगे कि 2014 से लेकर और 2024 तक का अगर ये टाइम हम देखते हैं, या फिर 10 साल का हम टाइम देखेंगे इसको, तो इस टाइम फ्रेम में हमारी इकोनॉमी 2024 तक फिर से 2 ट्रिलियन और बढ़ जाएगी, प्लस कि जहां पहले इसको 67 ईयर्स का टाइम लग रहा था, उसको अब की बार सिर्फ 10 साल के टाइम के अंदर ही डबल बना दिया गया। मोदी गवर्नमेंट का ये भी बोलना है कि अगर हमें 5 साल और मिल जाते हैं तो 5 साल के अंदर हम हमारी जो इकोनॉमी जो अभी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी हुई है, उसको बढ़ाकर 6 ट्रिलियन कर देंगे, डॉलर 6 ट्रिलियन तक यहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। और 2047 तक अगर ये इसी पेस तक चलता रहेगा, इसी स्पीड से अगर ये चलती रहेगी, तो इंडिया जो होगी वो बिल्कुल एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जीडीपी का रेशो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। फिर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर इंडिया की जो पीपीपी की कैपेसिटी है, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, वो तो ऑलरेडी इंडिया की डॉलर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन ही चुकी है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप यूएसए में $1 से 3 चीज़ें खरीद पाएंगे, मान लीजिए कुछ भी आपको चाहिए, आपको चाहिए था फॉर एग्जांपल कोई साबुन चाहिए था, बाथ साबुन के लिए कुछ चाहिए था, उसके बाद आपको किचन की एक बास्केट चाहिए थी, 1 बास्केट ऑफ किचन, जो भी आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, थर्ड आपको चाहिए होगा कि मुझे एक रॉप चाहिए, ये जो 3 चीज़ें आप हैं ये आपको यूएस के अंदर $1 में मिलेंगे। लेकिन सेम इसी $1 के अंदर अगर आप इंडिया में आएंगे तो आप इन्हीं 3 चीज़ों को 3-3 बार और खरीद पाएंगे उसी $1 के अंदर। 3 ही यहाँ पर आप बास्केट खरीद पाएंगे वेजिटेबल्स की, एंड 3 ही आप यहाँ पर रोप खरीद पाएंगे, यानी कि इंडिया की जो परचेजिंग पावर है बास्केट के अंदर वो यूएसए से काफ़ी ज़्यादा है, कम चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आउटकम आपको मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है जिस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है परचेजिंग पावर में वो अभी 10 ट्रिलियन को ऑलमोस्ट ऑलरेडी टच कर चुकी है, राइट।
इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंडिया के इन्हीं सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इनइक्वालिटी की बात की जाए तो इंडिया की लास्ट हमारा क्या रह गया, इनइक्वालिटी। हमने ऊपर देखा ना कि प्रोस्पेरिटी के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, जीडीपी चाहिए, इनइक्वालिटी कितनी है, और उसके अलावा आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो इंडिया का जब हम पहले का डाटा निकालते हैं यानी 2004 का, तो उस टाइम पे गरीब और अमीर के अंदर में लगभग 33.3% का यहाँ पर निकल के आती थी इनइक्वालिटी, जो कि गिनी इंडेक्स द्वारा निकाली गई थी। फिर अगर हम यहाँ पर 2021 की बात करें तो भी ये डाटा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बल्कि ये 33.2% यहाँ पर बन गया है, तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये इनइक्वालिटी अगर हम और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी भी बात करें, जैसे कि ब्रिक्स के अलग अलग जिनकी काफ़ी कंट्रीज़ जिनका भाग इंडिया है या आसपास हैं जो इंडिया के साथ, उनमें भी ये इनइक्वालिटी इतनी ही तरीके से दिखाई देती है। चाइना में तो इससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये दिखाई देगी। तो ये एक कंपैरिजन था, और इसी से हम बात कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन की बात करें चाहे महंगाई की बात करें, कि लगातार महंगाई भी हमारी आरबीआई कहीं ना कहीं उसको फोर, जो उसका पैराडिगम है कि मुझे +2 -2 यहाँ पर 4 के पास रखना ही है, वो कर पा रहे हैं। और जो लास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, क्या होता है फॉरेक्स, फोर से बनता है फॉरेन और एक्स से बनता है एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई के पास अभी $600 बिलियन का ऑलरेडी है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी अनफोर्सिन कुछ भी दुर्घटना आ जाती है तो उसको ईजिली आरबीआई हैंडल कर सकता है, ईजिली वो उसको बना सकता है। तो इसीलिए ऑल द बेस्ट कहते हैं कि अगर 2047 तक कोई बड़ा युद्ध नहीं होता है भारत का किसी के साथ, या कोई डिजीज आउटब्रेक नहीं कर जाती है, जैसे कि हमने कोविड के अंदर देखा कि कैसे एक बीमारी वो थी और वो आउटब्रेक कर गई थी, जिसकी वजह से इंडिया के काफ़ी रिसोर्सेज को उस तरफ लगाना पड़ा, और ये भी एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो गई थी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, लेकिन उससे भी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी रिसेलियंट होकर बाहर निकली और अभी ग्रोथ के उस पैराडिगम पे आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक तरीके से हमें पता चला कि ओके, हमारे अंदर आगे कितनी कैपेसिटी है पूरे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं इकोनॉमी पेज के ऊपर। यहाँ पर बोला जा रहा है रेगुलेटरी मिसमैच इन सर्विस सेक्टर चैलेंज फॉर इंडिया यूके एफटीए। देखिए, हम जान पा रहे हैं कि कम से कम 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी जब से इंडिया और यूके मिलकर एफटीए करना चाहते हैं, यानी कि एफ से होगा आपका फ्री, टी से होगा ट्रेड, एंड ए से होगा अग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसमें क्या होगा कि आप हम जो आपके पास ट्रेड भेजने वाले हैं और आप जो हमारे पास ट्रेड भेजेंगे उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा कोई ऐसे पैसे या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ट्रेड का आउटफ्लो हो सके कि टैक्सेस एक्स्ट्रा नहीं दे रहे इधर से इधर। मान लीजिए ये इंडिया है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये आपका यूके है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं, तो यहाँ से ज़्यादा ट्रेड उधर जा पाए और इधर से ज़्यादा ट्रेड इधर आ पाए। दूसरा कारण क्या होगा कि जैसे आप जब टैक्सेस वगैरह नहीं लगाएंगे तो ऑलमोस्ट ये बात बिल्कुल सिद्ध होगी कि आपका जो सामान होगा वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा, तो वो चीप बन जाएगा यानी सस्ता रहेगा, और जब सामान सस्ता रहेगा तो उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे। जैसे चाइना की पॉलिसी हम देख पाते हैं कि कैसे चाइना इंडिया के ऊपर बहुत सारे उसके जो चीप मटेरियल होते हैं उनको डंप कर देता है, इंडिया के ऊपर ऐसे फेंक देता है, गिरा देता है, डंप कर देता है, तो वो उसका बहुत बिकता है। आप इंडिया की मार्केट्स के अंदर बहुत सामान ऐसा देखेंगे जो चाइना से आया हुआ है, पहले वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता था, लेकिन अब अगर हम पाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ज़्यादातर अब वो ऑलमोस्ट हर फील्ड में, चाहे वो टेक्सटाइल की फील्ड हो यानी कपड़े की फील्ड हो या फिर और फील्ड हो, वहाँ पर वो ज़्यादा डंपिंग प्रॉब्लम चाइना दिखा रहा है इंडिया को। अब हम बात करते हैं यूके के साथ कि यूके के साथ 2 साल से ये अग्रीमेंट हो क्यों नहीं रहा है। पहले तो इसका कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए, यूके के अंदर हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि कैसे उनकी पहले एक इलेक्शन लड़ा, एक उनकी प्राइम मिनिस्टर बनती है, उसके बाद वो रिज़ाइन कर देती हैं क्योंकि वो कोविड की सिचुएशन को नहीं संभाल पा रही थी, इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रही थी। उसके बाद ऋषि सुनाक यहाँ पर वहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर वो बन जाते हैं, और ऋषि सुनाक के साथ फिर इंडिया के रिश्ते ठीक होते हुए, एक मूल होते हुए भी उनके ऊपर भी वहाँ पर शिकायतें लगाई जाती हैं, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि वो इंडिया के साथ अगर कोई डील करते हैं तो उसका रीज़न कुछ और होगा। एंड इसी के साथ, लेकिन इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया के साथ हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल है
जो आप सिचुएशन देख पाएंगे पॉलिटिकल, वो बहुत ही स्टेबल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो काफ़ी स्टेबल सिचुएशन यहाँ पर इंडिया की तरफ से दिखाई दे रही है। सेकेंड रीज़न यहाँ पर देख पाएंगे प्रॉब्लम्स का, कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पर पूरी नहीं की जा पा रही। कभी इंडिया चाहता है कि ये काम हो इस तरीके से हो, हमारी ये टर्म्स हैं, कभी यूके उसको दूसरी तरफ से देख रहा और उन टर्म्स के ऊपर नहीं आ पा रहा जो आना चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड, अगर हम देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है जब हम इसको कम्प्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना ज़ोर गवर्नमेंट लगा क्यों रही है इस ट्रेड की जो अग्रीमेंट है उसके ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों पर यह काम कर रही है, जैसे EU के साथ उन्होंने किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, तो अलग अलग कंट्रीज के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया जा रहा है, सो दैट इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका जो ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा भाग होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को उठाने में भूमिका निभाता है, उन दोनों को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब बात आती है यूके की और क्यों ज़रूरी हो जाता है इंडिया के लिए किसी भी अलग नेशन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना, उसका एक कारण ये भी है कि इन कंट्रीज़ को ज़रूरत है ज़्यादा सर्विस की। ट्रेड की तो हमें पता चल गया, लेकिन ट्रेड के साथ गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इन कंट्रीज़ को ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर हमें पता है कि कैसे कुछ कंट्रीज़ जो ये डेवलप नेशन है, इनके वहाँ पर लेबर जो होती है वो चीप नहीं होती, आप जो काम कर रहे हैं वो चीप नहीं होती है, और इसी वजह से ये कंट्रीज़ आउटसोर्स करती हैं इनके काम को। आउटसोर्सिंग क्या होती है? आउटसोर्सिंग होती है कि जब एक नेशन के यहाँ पर, मान लीजिए ये इधर ब्रिटेन है और इधर आप आके इंडिया की पोजीशन को पाएंगे, यहाँ पर आप इंडिया को देख पाएंगे, तो ये जब यहाँ से किसी भी तरीके से, चाहे वो डिजिटल हो कैसे भी हो, यहाँ से इधर बैठे इंसान से अपनी सर्विस ले रहा है, चाहे वो कस्टमर केयर के रूप में क्यों ना हो, और वहाँ पर ये सर्विस डायरेक्ट दी जा रही है यूरोप के, ब्रिटेन के अंदर, लेकिन बैठा वो इंडिया में, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री या कोई भी प्राइवेट जो होता है इंडिविजुअल, वो आउटसोर्सिंग क्यों करना चाहेगा? क्योंकि वो उसको पड़ती है चीप, यानी कि सस्ती। अब इसी काम के लिए जहाँ उसको यहाँ पर यूरो देने पड़ते 50 यूरो, और यहाँ इंडिया में उसका यही काम हो रहा है 10 यूरो के अंदर, तो वो 5 और कस्टमर को ले पाएगा। इसके अलावा वो क्या होगा, उसका जो काम करने का तरीका है, ज़्यादा लोगों को पेमेंट होंगी, ज़्यादा सर्विस आएगी, तो इसलिए उसके बेनिफिशियल होगा। तो यही कारण है कि सर्विसेज इंडिया बहुत प्रोवाइड करवा सकता है। इंडिया का जो यूथ है, इंडिया के जो हम सर्विसेज के लिए बोलेंगे कि लेबर हमारी कंट्री के पास है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारे US के ऐसे या UK के ऐसी कंपनीज है जो इन सर्विसेज को अटेन करना चाहती हैं, अपने पास लेना चाहती हैं। तो ये भी हम अच्छे से देख पाएंगे इस चीज़ के अंदर कि ओके, ये कारण है कि भारत सरकार जो है वो सर्विसेज दिलवाना चाहती है। फिर आपको सवाल आएगा एक मन में कि भारत सरकार ऐसा क्यों चाह रही है कि हमारे देश के इंडिविजुअल जो हमारे देश में काम कर सकते हैं वो किसी बाहर की कंपनी के लिए सर्विस दे, किसी बाहर के देश के लिए सर्विस दे। इसका कारण होता है आपकी हुड्डीज। क्या होंगी कि जब एक इंसान यूरो के रूप में कमाएगा और वो पैसा जब इंडिया के अंदर आएगा, तो वो पैसा खर्च तो इंडिया में ही होगा ना, उसको आप यूरोप के अंदर खर्च नहीं कर रहे हैं। पहली चीज, अगर आप इंडिया से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और मान लीजिए आपने सर्विस इंडिया से प्रोवाइड नहीं की, आप क्या किया आपने कि आप ब्रिटेन ही चले गए, यूके ही चले गए, और आप वहीं पर जाके वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी कि ठीक है आप वर्क वीजा पे आज ये काम करिए। अब कुछ ना कुछ आप अपने परिवार के लिए वापस भेजेंगे, राइट? और ये जो आप भेजेंगे, ये भी तो गवर्नमेंट के लिए काम आएगा, क्योंकि फिर से वो पैसा आ कहां रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है। अब आपकी फैमिली उसको कहाँ खर्च करेगी? इंडिया के अंदर, या तो सब्जी खरीदने में, या जो भी डेली की नेसेसिटीज़ होती हैं किसी भी परिवार के अंदर, वो सारी चीज़ें खर्च होंगी इंडिया के अंदर, ज़्यादा टैक्स के रूप में या पैसे के रूप में जाएगा इंडिया की गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद दिखाई देता है इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया इस काम पर लगा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि साइबर रिस्क बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशन PwC। देखिए, PwC की तरफ से एक सर्वे करवाया गया है,
और ये सर्वे जो करवाया गया है इसका नाम रखा गया है ग्लोबल रिस्क सर्वे इंडिया एडिशन 2023 का। तो 2023 का जो ये सर्वे है और ये ग्लोबल रिस्क सर्वे इंडिया के एडिशन के हिसाब से है, तो उसमें कुछ बातें सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि 38.8% जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपोज्ड फील करते हैं साइबर रिस्क से। 35% को आप देख पाएंगे कि उनका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो सबसे बड़ा रिस्क के हिसाब से टॉप कंसर्न है। 55% रिस्पोंडेंट जो है जिन्होंने सर्वे में भाग लिया और अपनी अपनी जो रिस्पॉन्स किया सवालों का, वो बता रहे हैं कि वो साइबर सिक्योरिटी टूल्स के अंदर 1 से 3 साल के अंदर अंदर इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहे उसमें क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, और फिर वो धड़ाम से गिर जाती है तो लोगों का रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर यह रिस्क असेसमेंट किया जाता है। 71% की जो गैदरिंग हुई है उनका ये मानना है कि आईटी का जो डाटा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, आईटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये डाटे के लिए एआई काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपका जो डाटा होगा उस डाटा को यहाँ पर ब्रीच कर सकता है, किसी को भी प्रोवाइड हो सकता है। तो इसीलिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर ये दिखाई देती है, और इसीलिए 71% लोग इस समस्या को काफ़ी बड़ी समस्या का नाम दे रहे हैं। 99% इस बात से कॉन्फिडेंस है, उनको ये विश्वास है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इन रिस्क को इफ़ेक्टिवली यहाँ पर मैनेज कर सकती हैं, खासकर जब गवर्नमेंट इस काम में लगी हुई है, वो रेगुलेट कर रही है एआई को, अलग अलग नेशंस ग्लोबली यहाँ पर साथ में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इसके खतरों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कुछ नियम कायदे कानून बनाने होंगे। उन्हीं का एक एग्जांपल देखेंगे अब यहाँ पर कि किस प्रकार से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है एक्सपेरिमेंटल जनरेशन एआई मॉडल शुड नॉट बी ओपन टू पब्लिक। गवर्नमेंट ने फर्म्स को बोला है कि जो भी आपके एआई के मॉडल है और वो एक्सपेरिमेंटल वेज पे, यानी आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनको आप पब्लिक के लिए इन लार्ज यहां पर मत इस्तेमाल करिए, ठीक है, उनको इस्तेमाल करने के लिए मत दीजिए। तो ये एक स्टेटमेंट आई है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों स्टेटमेंट है, देखिए आप देख पाएंगे कि जो मूडी यानी गूगल की तरफ से जो आपका एक सर्च इंजन है गूगल, उसमें आपकी एक एआई को इंट्रोड्यूस किया गया और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मूडी। तो ये जो आप गूगल की मूडी देख रहे हैं इसके ऊपर डिस्क्लेमर दिया गया है यहाँ पर गूगल के द्वारा। वो कह रहे हैं कि ये जो मूडी है ये अभी ट्रांजिशनल फेज के अंदर है, यानी डेवलपिंग फेज में ये डेवलप हो रही है, हो सकता है कि ये आपके कुछ पूछे हुए सवाल के अंदर कुछ गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, तो इसीलिए आपकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आप उसको अच्छे से सर्च कीजिएगा, आप फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। यही बात सेम लिखी गई थी चैट जीटीपी द्वारा। जब चैट जीटीपी आता है तो वो भी यही बोलता है कि नहीं ये सब कुछ गलत है, हमारा जो है फेज वो अभी कुछ गलतियां कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको ड्यूली एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि ये डेवलपिंग फेज के अंदर है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है तो आप इसको जनरल पब्लिक के अलावा किसी पर्टिकुलर एक समाज के अंदर, एक छोटे भाग के अंदर, मान लीजिए जनरल पब्लिक में तो सबके लिए वो अवेलेबल है, लेकिन आप यहाँ पर एक काम करिए 1 लाख लोगों को उनकी इच्छा के साथ, कंसेंट के साथ इसमें पार्टिसिपेट करवाइए, उसके बाद एक क्लोजर इन्वायरमेंट के अंदर उसको इस्तेमाल कीजिए कि आपका एक जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी क्लोजर था, उसमें बाउंड्रीज थे। जैसे आप लोग रिसर्च से इसको रिलेट कीजिए कि एक जो एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी लैब के अंदर वो एक छोटी जगह पे होता है, चाहे वो खेती के अंदर हो, चाहे वो आपका जीन मॉडिफिकेशन हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो, उसको एक भाग के अंदर रखा जाता है ताकि, क्योंकि हमें नहीं पता इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो उन नुकसानों का अगर असर है तो वो इसी पर्टिकुलर जगह तक रह सके, वो ज़्यादा ऊपर तक ना जा पाए। और यही कारण है कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए काफी स्पेक्टिकल यहां पर दिखाई दे रही है और कह रही है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई फर्म ऐसा नहीं मानती है तो इंडिया में उस फर्म को फिर बैन कर दिया जाएगा। तो ये इंडिया का काफी यहां पर स्ट्रांग हमें एक दिखाई दे रहा है स्टैंड इसके प्रति। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं एक्सप्लेन पेज की तरफ, जो कि आज के हमारे
न्यूज़पेपर के आखिरी पेज है, तो पहला यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है द चेंजिंग इंडियन विलेज। देखिए ये सोशियोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सोशियोलॉजी सिर्फ ऑप्शनल में नहीं आती है। आपको पता है कि जीएस पेपर वन के अंदर जो मेंस का आपका सिलेबस है उसमें इंडिया के कल्चर प्लस सोसाइटी को भी ऐड किया गया है। इसी का कुछ भाग आप देख पाएंगे इथिक्स के अंदर, इसी का कुछ भाग आप देख पाएंगे अपने जो नेचुरल जस्टिस की, सोशल जस्टिस की बात होती है जीएस पेपर टू के अंदर, ये इथिक्स का क्या होगा जीएस पेपर फोर में आ जाएगा। तो जीएस पेपर वन में देख पाएंगे इसी की इंपॉर्टेंस, जीएस पेपर फोर में देख पाएंगे। जीएस पेपर थ्री के अंदर तो इंडियन सोसाइटी बिल्कुल अलग से लिखा ही हुआ है, इसके अंदर आप देख पाएंगे, और जीएस पेपर टू के अंदर आप इसको देख पाएंगे सोशल जस्टिस में। तो ये वैसे हमें चाहे लगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है कैसा सा आर्टिकल, लेकिन जब आप सिलेबस में अच्छे से जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मेंस के आपके जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या पेपर जो होने वाले हैं उनमें सभी में इसकी रेलिवेंस है। 20 से 25 नंबर का ये ज़रूर आ जाता है टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे तो। और प्रीलिम्स के हिसाब से आई कैन से यस इट इज़ नॉट दैट वेरी मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। हरीश दामोदरन इसको लिखते हैं और वो एक दो गांव के बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो गांव है वो आपका है यहाँ पर पालनपुर। पालनपुर एक ऐसा गांव है जो कि यूपी के अंदर है, और दूसरा जो गांव है वो यहाँ पर गांव है पल्लाकुरुची। दो गांव को कंपेयर किया जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपको कंपेयर करके समझाई जाती है तो वो समझने में ज़्यादा आसान होती है। दोनों गांव को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। देखिए ये काफ़ी पुरानी बात है, पल्लाकुरुची जो गांव है वो तमिलनाडु के अंदर है, और ये जो पल्लाकुरुची गाँव है ये आप जब तमिलनाडु के अंदर देख पाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, या रिसर्च बोले तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है कि आपका जो ये गाँव है इसका बहुत सारे बार जाकर स्टडी की गई है, सर्वे किए गए हैं खासकर सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न से। और जब भी आप किसी चीज़ के सर्वे करते हैं खासकर उसकी सोशियो यानी कि सोशल जो लाइफ है उसको ध्यान रखा जाता है, उसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक जो पैटर्न है उसको ध्यान रखा जाता है कि क्या क्या बदलाव आए हैं, और उसी के हिसाब से जो ये गाँव है रिपीटेडली इनके सर्वे किए गए हैं। कभी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो अलग अलग स्टडी की गई है वो की गई है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जैसे कि स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की तरफ से किया गया। उसके अलावा यहाँ पर पीजे थॉमस नाम के कोई एक रीसर्वेवर थे जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1936 से ही इस सर्वे को शुरुआत कर दी थी, 1936 से 37 तक, और 2019 में इनका लास्ट बार एक और सर्वे होता है। तो 8-10 बार इन गाँव की स्टडी हो चुकी है डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर, 10 साल बाद, कभी 15 साल बाद, कभी 5 साल बाद। तो ये जो स्टडी है ये इनके बदलते हुए स्वरूप को दिखा रही है, और आप कंपेयर करके इन दोनों गांव को समझ पाएंगे कि कैसे इन दोनों गांव की जो रूपरेखा एक तरीके से बदली है वो काफी यहां पर सिमिलर है। और इसी वजह से लेखक जो यहां पर हैं जो कि हैं आपके हरीश दामोदरन, वो कहते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो समानताएं आप देख पा रहे हैं दोनों के गांव के बीच में, मैं दोनों गांव दिखा रहा हूं, उनके बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि एक गांव जो तमिलनाडु के अंदर था और दूसरा गांव जो कि यूपी के अंदर है, जो कि काफी दूर है, दोनों स्टेट अलग है, स्पेसिफिकेशन अलग है, मान्यताएं अलग हैं, तो ये सब होते टाइम भी वहां पर समानताएं बहुत ही बराबर है, और इसीलिए इसको इंडियन विलेज भी बोला जा सकता है कि काफ़ी जो ज़्यादातर जो गांव हो रहे हैं इंडिया के अंदर जो चेंज यहां पर देखने को मिला है वो एक जैसा ही है पूरे के पूरे भारत के अंदर। देखिए शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत दोनों गांव के अंदर हम देख पाएंगे कि एग्रीकल्चर के बूम से हो रही थी। जब 1900 ये समय चल रहा था कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन दोनों गाँव के तरफ रखा जाता है या फिर बताया जाता है कि किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति को हमें लेके आना है, भारत के जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, परेशान हैं, उनको खाना देना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसी साल भारत जो है वो खाद्यान्न संपन्न देश बन चुका है, वो इतना संपन्न बन चुका है कि भारत दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है अपने खाने को। इतना ज़्यादा हम लोग उस जो एक टारगेट यहाँ पर लेके आया गया था 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसको पूरा किया जा चुका है उस विश्वास के ऊपर
बिल्कुल ठीक, हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन समय बदलते बदलते यहाँ पर कुछ और देखने को मिलता है कि ये जो एग्रीकल्चर था ये इन गांव में ऑटोमेटिकली सेम रेट से या कुछ कहें कि समय के हिसाब से ये कम होता गया और लोग दूसरे जो एग्रीकल्चर के अलावा फील्ड हम बोल सकते हैं उसमें यहाँ पर काम करने लगे, तो परेशान है। आज के युवा के हिसाब से बात करें तो कहाँ एक टाइम पर यहाँ पर 79.8% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में जुटे हुए थे और हरित क्रांति में तो ये डाटा और ज़्यादा था, वो अब ऑलमोस्ट 30% या 33% तक का ही रह चुका है और ये एवरेज दोनों गांव का निकल कर आया है कि किसी गांव में और कम होगा किसी में ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब जो है वो खेती नहीं करना चाहते। इसके भी कुछ कारण हैं। देखिए, जब हम इस तरीके से पहुँच रहे हैं कि किसी एक जो एक प्रोमिनेंट प्रोफेशन होता था सभी विलेजर्स के लिए वो अब प्रोफेशन बदला जा रहा है, तो ये बात भी देखनी ज़रूरी हो जाती है कि वहाँ का समाज का स्ट्रक्चर पे इसका क्या प्रभाव हुआ है, क्या इस वजह से समाज का स्ट्रक्चर बदल रहा है या समाज के स्ट्रक्चर के बदलने की वजह से ये प्रभाव हमें इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आपका पालाकुरिची गांव है तमिलनाडु में, वहाँ की जो प्रोमिनेंट जाति होती थी वो होती थी यहाँ पर नायडू, और नायडू को तमिलनाडु में जब आप पाएंगे तो वो एक तरीके से जमींदार होते थे या फिर इंग्लिश में बोलूँ तो क्या होते थे, लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स आप देख पा रहे होंगे ये लैंडलॉर्ड्स पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे और यही वो लैंडलॉर्ड थे जिनकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर बूम किया था, क्योंकि इन लोगों ने जो भी आपका हरित क्रांति थी उसके अंदर ये लोग आए और उसके बाद इन लोगों ने ही बहुत बड़े लैंड पे, ये बहुत कम होते थे संख्या में, मान लीजिए ये लोग उस समय पे सिर्फ 15% थे संख्या के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर जितने लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन ये लोग इतने नम प्रतिशत होते हुए भी 80% से ज़्यादा लैंड जो होता था वो इन लोगों का ही होता था और इसके ऊपर लेबर होती थी। धीरे धीरे ये लैंडलॉर्ड जो थे इनकी ज़मीन के टुकड़े छोटे होते गए, ये बेचते गए किसी भी कारणवश और ये यहाँ से निकल गए, गाँव से ये बाहर चले गए। पैसा होने के बाद दूसरी दूसरी फील्ड के अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात कि इनके जो वंशज जो आए थे आगे आने वाले उन लोगों ने एजुकेशन को प्राप्त किया, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ाई ली शिक्षा ली उसके बाद वो अलग अलग मुकाम पर आगे पहुंचे और वो गांव को छोड़कर चले गए, जिस वजह से इनकी जो संख्या जो कभी 15% मानी गई थी, मान लीजिए ऐसा मैं टोटल डाटा आपको बता दूंगी कि किस टाइम से उनकी जो पॉपुलेशन थी, मान लीजिए एक टाइम पे वो लोग जब 1983 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो डाटा था वो 252 लोग थे, ठीक है, और उस टाइम पे पूरे गांव में लोग कितने थे, पूरे गांव में अराउंड 1000 समथिंग लोग होते थे और उसमें से 252 थे। लेकिन अगर हम आज का डाटा लेते हैं 2019 का तो ये डाटा सिर्फ और सिर्फ 83 था, तो काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिक्लाइन दिखाई दे रहा है यही मैं आपको इजी शब्दों में ऊपर समझा रही थी। कुछ सेम ऐसा ही डिक्लाइन यूपी के पालनपुर के अंदर भी देखा गया, वहाँ की जो प्रोमिनेंट कास्ट थी वो ठाकुर कास्ट थी और ये जो ठाकुर थे ये भी यहाँ पर इसी प्रकार से जैसा मैंने ऊपर समझाया वो लोग वहाँ से अपडेट होते गए या फिर मैं कहूँगी ज़्यादा शिक्षा लेते गए अपनी दूसरी दिशाओं में चले गए। अब इसका और क्या यहाँ पर बदलाव होगा, अब आप लोग देख पाएंगे कि कैसे जब जमींदार थे उस समय पर एक हाई क्लास थी जो जमींदार थे, एक लो क्लास थी जो कि उनके काम पे काम करने वाले किसान थे, लेकिन जब ये लोग चले जाते हैं तो नई एक क्लास उभर कर आती है गांव के अंदर जो कि होती है मिडिल क्लास। अब जो लोग बीच के लोग थे जो ज़्यादा अमीर नहीं थे वो यहाँ पर आ जाते हैं और जो दलित लोग थे वो भी यहाँ पर ज़मीन को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। आज का प्रोपोनेंट देखेंगे तो कहाँ 1983 के अंदर जहाँ दलित के पास 0.03% ही कोई ज़मीन होती थी, वो आज हम देख पाएंगे कि 33.7% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यानी ये जो एक स्ट्रक्चर था समाज का वो काफ़ी बदला है और ये एक तरफा नहीं है, सिर्फ एक गांव में नहीं है, बल्कि अगर आप लोग भी ध्यान से अपनी नज़रों को घुमाएंगे अपने कानों को खोलेंगे तो आप भी अपने आसपास कहीं ना कहीं पे ऐसा दृश्य जरूर देख पाएंगे। हर कोई कहीं ना कहीं एट द एंड इंडिया में किसी ना किसी गांव से बिलोंग करता ही है, चाहे वो कितने भी समय से अर्बन में क्यों ना रह रहे हों, लेकिन अगर आप साल में एक बार जाकर भी देखेंगे या वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई देगा।
यही हमारे ये जो हरीश दामोदरन है इनकी कुछ फाइंडिंग्स हमें पता चलती हैं, और एक ये अच्छा है कि हमें भी कुछ प्रोस्पेक्टिव यहाँ से मिल पाता है कि किस प्रकार से चेंजिंग नेचर होता है सोसाइटीज़ का। लास्ट आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर हम लोग पहुँच चुके हैं, जो कि है द मैनी ओरिजिन ऑफ सेंटा क्लॉज फ्रॉम क्रिश्चियन सेंट टू इविल नॉर्डिक स्पिरिट। देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 25 दिसंबर का दिन है। आज के दिन के ऊपर सेंटा क्लॉज जो है, या क्रिसमस डे जिसको बोला जाता है, उसको काफ़ी यूरोपियन देशों के अंदर प्लस अमेरिका जो है, यूएस जो है, वहाँ पर मनाया जाता है। तो ये जो आप देश देख पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसी के पीछे की यहाँ पर स्टोरी है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, बल्कि आप इंडिया में भी इस त्यौहार को बहुत लोगों के द्वारा, खासकर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके घरों में इसको मनाते हुए देख पाएंगे। तो चलिए इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि कैसे ये जो सेंटा क्लॉज है वो कैसे गिफ्ट के कल्चर में देख के आने लगे, किस प्रकार से वो बच्चों को यहाँ पर गिफ्ट देते हैं, कैसे ये ग्रैंड फादरली फिगर है, यानी दादाजी जो होते हैं, थोड़े बूढ़े होते हैं और वो सभी को खुशियाँ बांट रहे हैं, इसी प्रकार से ये मनाया जाता है। कैसे ये एक आगमन हुआ, कैसे ये आया था, जब हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं लगभग 4th सेंचुरी के आसपास, यानी चौथी जो शताब्दी थी, आज हम किस सदी में जी रहे हैं, शताब्दी में जी रहे हैं 21वीं सदी के अंदर। और जो चौथी सदी जो थी, उसमें अगर आप जाएंगे तो ये जो सेंटा क्लॉज है, इनको ट्रेडिशनली एसोसिएट किया जाता है सेंट निकोलस के द्वारा। सेंट क्या होता है, साधु, यानी जो भी क्रिश्चियन के सेंट होते थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई। हमें पता है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक्चुअली में यहाँ पर निकली जो थी वो ज्यूज से ही निकली थी, ठीक है, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का जो जन्म हुआ था। इसीलिए ज्यूज के पास हमेशा ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल रखी हुई है और क्रिश्चियनिटी के पास यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट ऑफ बाइबल है। तो आप दोनों में बाइबल को ही देख पाएंगे। यहाँ पर सेंटा जो निकोलस थे, वो एक तरीके से बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक पुराना हम देख पाएंगे एक सभ्यता थी, उस समय पर बहुदेववाद बहुत होता था, बहुत सारे देवों को वहाँ पर माना गया। लेकिन उस समय पे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ 1st सेंचुरी BC के अंदर, और उसी टाइम पे ईसा मसीही जो आए, उनको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का बड़ा संस्थापक माना गया। उस एरिया में वो क्रिश्चियनिटी को जन्म देते हैं, ईसाई धर्म को जन्म देते हैं, और उसी के बाद से उसके कुछ साधु बन जाते हैं जो इसको फैलाने का काम करते हैं। और उन्हीं में से एक थे सेंट निकोलस, जो कि 4th सदी के साधु थे, और वो पेट्रोन थे बच्चों के। उनको ऐसा माना जाता था कि जहाँ बहुत सारे बच्चों को उस समय पे बहुत सारे अरेबीज लोग जो आके मार रहे थे, वहीं पे इन्होंने काफी बड़ा रोल निभाया बच्चों की जान बचाने में। और इसी वजह से ये मायरा तुर्की के अंदर उस समय पे रहते थे, और इनका नाम जोड़ दिया गया इनके साथ, सेंटा क्लॉज के साथ, ताकि वो आज भी बच्चों के रक्षक है, बच्चों को आज भी खुशी देते। एक कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। दूसरी कहानी हम देखेंगे फिनलैंड के अंदर। फिनलैंड आप पाएंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर आता है। ऊपर जहाँ पर आप देखेंगे फिनलैंड है, ऊपर डेनमार्क के ऊपर आप यूरोप का जो ऊपरी भाग है, वहाँ पर आप तीन कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें इसकी लोकेशन पाएंगे। तो फिनलैंड में ये मिथोलॉजी मानी जाती है, जो कि एक फिन्स नाम का एक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। और ये त्यौहार कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है 13 जनवरी को, ना कि 25 दिसंबर को। इस त्यौहार के अंदर कुछ ऐसी ही कहानी मिलती जुलती यहाँ पर पैगनिज्म के रिलीजियस स्पिरिचुअल बिलीफ को यहाँ पर दिखाती है। पैगनिज्म क्या होता है, पैगनिज्म का मतलब होता है यहाँ पर आपका बहुदेववाद ही, कि जो लोग पैगंबर्स वगैरह पर बात करते हैं और बहुदेववाद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, उसी के खिलाफ में ये है। तो इसलिए पैगनिज्म के रिलीव्स करते हैं कि किस प्रकार से मॉडर्न रिलीजन के आते हुए ये त्योहार भी इनके साथ आ गया। और मिडिल एजेस के साथ यहां पर पहले जहां इस त्योहार को मनाया जाता था, मॉडर्न टाइम में इसको मनाना वहां पर बंद कर दिया। फिर एक कम्युनिटी की बात की जाती है कि कैसे एक सेंट नूट डे मनाया जाता है 13 दिसंबर को ही, सेंट नूट डे ऑन 13 जनवरी, नॉट दिसंबर, 13 जनवरी हर साल ये मनता है। और ये मनाया जाता है कुछ ट्राइबल्स के द्वारा, नॉर्डिक के द्वारा। अब नॉर्डिक को हम ट्राइबल से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्डिक जो लोग होते हैं वो होते हैं घुमंतु, यानी जो घूम घूम कर अपना काम कर रहे हैं, जानवरों को रखते हैं, वो सब होते हैं नॉर्डिक। तो ये नॉर्डिक लोग इसको मनाते हैं जब उनका
मतलब कि हॉलीडे ख़त्म होता है जो कि 13 तारीख को ख़त्म हो जाता है जनवरी महीने की, उस समय पे जो वहाँ के लोग होंगे, मैन जो होंगे इस यहाँ पर, वो फर से बने हुए जैकेट्स को या ड्रेसेस को पहनेंगे। और फर क्या होते हैं, जानवरों के बाल वगैरह, उनको फर बोला जाता है, तो इससे बने हुए वो पहनेंगे। इसके अलावा वो डोर टू डोर जाते हैं, दरवाजे से दरवाजे जाकर गिफ्ट्स की डिमांड करते हैं अपने ही जो समुदाय के लोग हैं उनसे, और जो भी उनको खाना मिलता है उसको वो लोग खाते हैं मिल बांट कर। तो ये किस तरीके से बनाया गया है, तो इसी तरीके से हम पाएंगे कि अलग अलग स्टोरी यहाँ पर गढ़ी गई है। सबसे नेक्स्ट जो सवाल आता है कि गिफ्ट का रिलेशन कब से आ गया, कि कहाँ ये गिफ्ट कैसे ऐड हो गए सेंटा क्लोज के अंदर। तो गिफ्ट जो आप देख पाएंगे वो ऐड एक्चुअली में हुआ है दो तीन कारणों की वजह से। पहला जो कारण है वो था कमर्शलाइजेशन, कि चीज़ों को आप कमर्शलाइज करने लगे। दूसरा यहाँ पर रीज़न था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें पता चला है कि यूरोप के अंदर काफ़ी जो एक 18वीं सदी थी उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, होने लग गया था, कमर्शलाइजेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही थी उसी समय पर यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है एक नई मिडिल क्लास का भी जन्म हुआ था। ये जो नई मिडिल क्लास थी ये लोग ज़्यादातर क्या कर रहे थे, यहाँ पर गाँव से भाग भाग कर अर्बन एरियाज में जाकर सेटल हो रहे थे, यानी शहरीकरण हो रहा था। और ये शहरीकरण कहाँ पर हो रहा था, ये शहरीकरण जो हो रहा था या फिर जो अर्बनाइजेशन हो रहा था वो हो रहा था इंडस्ट्रीज के आसपास, ये जो कारखाने होते थे इनके आसपास, उद्योगों के आसपास ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। और इन्हीं उद्योग के आसपास आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, और उसी समय पर नई नई टॉयज़ की फैक्ट्री बननी शुरू हुई, यानी गिफ्ट जो ये टॉयज़ जो थे इनकी फैक्ट्रियाँ बनी। और जो मालिक होते थे उनको ये समझ में आया कि कैसे हम अपने जो ये हमारे वर्कर हैं उनको संतुष्ट रख सकते हैं, जब वो कोई हॉलीडे की छुट्टी मांगेंगे तो उनको क्या किया जाना चाहिए, कैसे उनको अपनी तरफ ज़्यादा विश्वास पाता रखना चाहिए कि वो किसी और के पास ना जाए या फिर विरोध ना कर दे, प्रोटेस्ट ना कर दे। और इसी वजह से उन्होंने एक नया कल्चर चलाया, उन्होंने अपने वर्कर्स को टॉयज़ को गिफ्ट में देना शुरू कर दिया अपनी फैक्ट्री से, सो दैट उनके बच्चे रिलेट कर पाए और वो लोग उनके लिए ज़्यादा विश्वास के पात्र बने रहें। और यही बिजनेस लगातार ऐसे बढ़ता गया। फिर इसी का कुछ नोट्स लिखे गए हैं द हिस्ट्री ऑफ चैनल नाम की बुक्स के अंदर। ये क्या हिस्ट्री ऑफ चैनल नाम के एक जो बुक लिखा गया था ये बनाया गया था एक्चुअली में थॉमस नास्ट के द्वारा, जो कि 1823 के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स आती हैं। इन पोएम्स में अलग अलग पोएम्स को आप देख पाएंगे, जैसे कि ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, ये आया। उसी के बाद कुछ और पोएम्स आई जैसे कि मिनिएचर स्लेग एंड 8 टाइनी रेन डियर, उसके बाद द स्नो नाम से पोयम। तो ये कुछ ऐसी ऐसी स्नोज और जो ऐसी ऐसी पोयम्स थी कि उन्होंने सेंटा क्लोज की जो इमेज थी उसको ऐसा ही बना दिया। और इसी के बाद से जब से टीवी आया है तब से तो हम ऑलरेडी यहाँ पर मूवीज़ के अकॉर्डिंग या हमारे दिमाग के अंदर एक छवि ऑलरेडी इम्प्रिंट कर चुके हैं। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर क्रिसमस डे की। और ये था हमारा कितना अच्छे से हमने एक चीज़ पर ध्यान दिया कि एक आर्टिकल ऊपर समाज के बदलते हुए मानों को दिखा रहा है, समय के साथ लगातार जो बदलाव आ रहा है किसी एक छोटे सी जगह से लेके और पूरे देश में लगातार होमोसेपियन के तरीके से, नागरिकों के होने के तरीके से कोई और ऊपर जा रहा है तो कोई और दिशाएं बदल रही हैं। उसी प्रकार से एक हिस्ट्री में जब हम फिर से जाते हैं क्रिसमस की हिस्ट्री में, तो हम देख पाएंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ आज ये पहुँच जाता है। तो स्वरूप बिल्कुल समय के साथ और जो जो समय की मांग थी, जो जो हमारी परिस्थितियाँ थी इंसानों की, उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से वो ढाल लेते हैं, तो ये आज हमने सीखा। एंड एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी अभी तक मेरे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है उन सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कि आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं अभी तक। आपने अगर इसको देखा है सीखा है तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि यही एक अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा खोलें और उसको खोल कर आँखों की बजाय जो कि कभी कभी धोखा दे सकती हैं, आप अपने दिमाग से देखना शुरू कर दें कि ठीक है चीज़ें किस प्रकार से बहती हैं। और उसी बहाव के साथ ना बहते हुए आप जरा एक जगह पर थमें और थम कर किसी भी चीज़ का रुक कर एनालाइज करें, विश्लेषण करें। तो चलिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू।